नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7 के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए श्री अभय सेठिया जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और साथ ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे विभिन्न विषयों में चर्चा करेंगे, साथ ही अभी जो कोरोना काल चल रहा है और उसमें जो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण आज व्यापारियों और प्रशासन को लेकर जो संघर्ष की स्थिति या विवाद की स्थिति आती है और व्यापारियों को जो परेशानी होती है, चूँकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं तो व्यापारियों की परेशानी जो आती है उसके संबंध में आज इनसे चर्चा करेंगे कि प्रशासन के साथ ये कैसे तालमेल बिठा सकते हैं और कैसे आगे कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और हम देख रहे हैं कि आए दिन व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति आती है और कोरोना से व्यापारियों को बचाना भी हमारा दायित्व है और हम सबका दायित्व है, व्यापारियों का भी दायित्व है कि कोरोना से बचें और कुछ प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन भी उन्हें करना चाहिए। किंतु जहां प्रशासन छूट देता है तो व्यापारी भी उस छूट का अनुचित लाभ उठाते हैं, साथ ही प्रशासन भी व्यापारियों को एक अच्छी नज़र से नहीं देखता और व्यापारियों को पता नहीं क्यों शुरू से ये माहौल बना हुआ है कि व्यापारी वर्ग हमेशा शासन प्रशासन से प्रताड़ित होता आया है। तो इस संबंध में अभी जो हमारे बालाघाट में जो चल रहा है प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है व्यापारियों पर, व्यापारियों का लॉकडाउन बंद, आज कल जो ये स्थिति आई फिर आपने आज से बंद का आह्वान किया, इस संबंध में बताइए आप क्या प्रशासन से क्या चर्चा हुई, आगे क्या, जैसे बंद का आह्वान किया आज बंद है, कितने दिन बंद रखेंगे आप? कोरोना महामारी पिछले एक वर्ष से, पिछले वर्ष लगभग 3 महीने करीब बंद रहा, इस वक्त भी लगभग 2 महीने हो रहे हैं। इस परिस्थिति में बालाघाट के व्यापारियों ने पूरे ज़िले में, चाहे अनाज के व्यापारी हो, किराने के व्यापारी हो, फ्रूट के व्यापारी हो, सब्जी के व्यापारी हैं, दवाई के व्यापारी हैं, इन्होंने अपनी सप्लाई को पूरा चालू रखा, आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी। प्रशासन ने भी इस बीच में पूरा सहयोग किया, परंतु इस बार की महामारी के समय में लॉकडाउन, ये जनता कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू में जिस प्रकार की जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने, इनके बड़े अधिकारी तो बड़े अच्छे से बात करते हैं मीटिंग के समय में, परंतु जब छोटे अधिकारी जो मैदान में रहते हैं उनका आमना सामना व्यापारियों से होता है, अब इन्होंने कहा है कि पूरे समय में आप होम डिलीवरी करेंगे, होम डिलीवरी की स्थिति 5-10% व्यापारियों की बनती है, छोटे व्यापारियों की बन भी नहीं सकती, वहाँ पे छोटे छोटे 10 रुपये की मिर्ची लेना है, 25 रुपये की शक्कर लेना है, 25 रुपये का तेल लेना है, होम डिलीवरी कैसे करेगा? इस बारे में भी हमने बात खुली बात की है, उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी बात काट करके इनको अनदेखा करेंगे हम, परंतु तो देखने में ये आ रहा है कि पिछले लगभग 15 दिन से, मान लीजिए 15 दिन से देखने में आ रहा है कि जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, छोटे और कर्मचारी निकलते हैं, पुलिस के कर्मचारी निकलते हैं, नगर पालिका के जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो भी निकल रहे हैं, और जिस प्रकार से वो बोलते हैं नहीं दुकान बंद करो, 151 लगा देंगे, 188 लगा देंगे, इस समय में पूरे देश में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई है, ये आप और हम सब नहीं कह रहे, सभी कह रहे हैं इस बात को। ऐसे समय में व्यापारियों ने अपनी सप्लाई लाइन, जो जीवन की आवश्यक वस्तुएँ हैं उनके लिए उन्होंने अपनी सप्लाई लाइन चालू रखी है, और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। हमारे 5-7 व्यापारी, प्रमुख व्यापारी ने अपने जान से भी उनको हाथ धोना पड़ा है, ऐसे समय में व्यापार कर रहे हैं। हमारी मांग इनसे ये थी कि कोरोना फ्रंट लाइन की इनको मांग की जाए और कोरोना वायरियर्स के रूप में इनका सम्मान किया जाए। ये ऐसा वर्ग है व्यापारी वर्ग जो नौकरी नहीं मांगता और नौकरी देता है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे GST के रूप में हो, नगर और के मंडी टैक्स हो, जितने किस्म की भी टैक्स हैं, नगर पालिका के टैक्स और ने सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के टैक्स और केंद्र सरकार के टैक्स, ये पटाने वाला वर्ग है, और ये वर्ग को यदि आप प्रताड़ित करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था का गड़बड़ाएगी, और सारी जितने भी विकास के काम हैं, सरकार के विकास के काम हैं, चाहे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के काम है, ये सब आर्थिक स्थिति यदि इनकी कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से सरकार भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी,
पिछले दिनों में जो स्थिति आई, मैंने कई बार कलेक्टर एसपी से बात की, वो तो अच्छे से बात करते हैं, यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे से भी बात हुई, यहाँ के विधायक श्री गौरी शंकर जी बिसेन से बात हुई, सांसद श्री डॉक्टर ढाल सिंह जी बिसेन से बात हुई, सारे ने कहा कि हम आपसे बात से सहमत हैं, परंतु जब नीचे हम उतरते हैं, नीचे जब ग्राउंड पे जाते हैं, मैदानी कार्यकर्ता जब इनका निकलता है, और क्योंकि व्यापार जो हो रहा है पूरे क्षेत्र में हो रहा है, गुजरी जो है, गुजरी में थोड़ा सघन है, वहाँ छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, मैं और उमेश भैया भी हैं, पूरा जीवन अपना वहीं पे खेलते कूदते हमने बिताए वहाँ पे, आज स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी, अगर उनको आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे, उनकी स्थिति नहीं होगी, तो बाकी लोगों को तो आप आर्थिक मदद कर रहे हैं, किसानों को आर्थिक मदद, मजदूरों को आर्थिक मदद, पर ये मध्यम वर्ग का परिवार जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ऐसा ये हमारा व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग को यदि हम निश्चित रूप से थोड़ा सी सहूलियत देंगे और उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी। हम देखते हैं कि आए दिन मतलब व्यापारियों के साथ जो अभद्रता होती है और इसके कारण मतलब मानसिक त्रासदी भी होती है, और कोरोना काल में ये लोग, जैसे कि आपने कहा कि इनको कोरोना वॉरियर्स मानना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि दुकानदार हो गए, किराना दुकानदार डायरेक्ट कई लोगों से संपर्क में आता है, वैसे गैस एजेंसी संचालक जो गैसेस है ना, इनके जो वर्कर हैं वो भी घर घर जाके आपका मतलब गैस वितरण करते हैं, वही प्रभाव में आते हैं। इसके अलावा जैसे पेट्रोल पंप में कर्मचारी जो पेट्रोल भर रहे हैं वो भी डेली सैकड़ों लोगों के प्रभाव में आते हैं, तो ये जो कोरोना वायरस मारने का जो एक तरीका है कि मतलब सेवा, मतलब जनता की सेवा ही कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी, तो मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मतलब इनको कोरोना वॉरियर्स मानना चाहिए, मगर नहीं माना जा रहा, मगर नहीं मान रहे ठीक है, मगर जब आप उनसे उनसे आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं आप ले रहे हैं तो उनको सम्मान तो मिलना चाहिए, बिल्कुल, मगर हम देखते हैं बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता है। तो अभी आपने मीटिंग में भी भाग लिया था पिछले 16 तारीख को, तो वहाँ पे ये बातें नहीं हुई थी क्या? आपदा प्रबंधन कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ, आपदा प्रबंधन कमेटी में मैंने पूरी बात वहाँ पे उस आपदा प्रबंधन कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रामकिशोर कावरे जी, विधायक भी थे, सांसद भी थे, सभी अन्य विपक्षी दल के विधायक भी थे, सारा प्रशासनिक अमला भी वहाँ पे था, सबके सामने मैंने यही बात रखा कि जिस प्रकार से हम दबाव दे रहे हैं होम डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी की बात आती जहाँ तक ज़्यादा, होम डिलीवरी 90% व्यापारी नहीं कर पाता, अब उसके यहाँ नौकरी नहीं रहता, उसके यहाँ जाकर 25-50 रुपये की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को हमने समय समय पर आगाह कराया, बड़े अधिकारी बड़े अच्छे से बात करते हैं, अब ये नहीं होगा सेठिया जी ऐसा बोलते भी हैं, परंतु जब नीचे उतरते हम ना, नहीं मगर जब बड़े अधिकारी जब रोड पे उतरते हैं तब क्या, तब भी आप मानते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा होता है? कभी कभी वो स्थिति रहती है कि मैंने तो नहीं उन्होंने जब ये चौक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं बड़े अधिकारी तो उनका व्यवहार अच्छा होता है, मैं इस बात देखा बड़े अधिकारियों को लात मारते हुए भी देखा है। इस बात से मैं आपकी सहमत भी हूँ कि बहुत सी जगह हमने देखा है कि जब ये पूरे हमले के साथ समझते चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा अपने जैसे कोड़े बरसा रहे हैं, उसी स्थिति से काम भी करते हैं। फिर भी क्या है, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लगभग 35 वर्षों से व्यापारियों और शासन प्रशासन के बीच में एक कड़ी के रूप में कि व्यापार ठीक स्थिति से चले, उद्योगपति ठीक रहे, सारा हम व्यापार लगभग नियम कानून से करते हैं, अब थोड़ी बहुत व्यवस्था गड़बड़ होती है तो उसके लिए समझाइश दी जानी चाहिए। इस प्रकार से लॉक कर रहे दुकानों को और सील कर रहे दुकानों को, और उसके लिए जो जुर्माने की राशि भी इतनी है, किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, वो जुर्माना राशि पटाने के बाद भी जब वो खोलने के लिए छोटे कर्मचारियों को भेजते हैं तो वो 1,500 रुपये अलग, मेरा सीधा सीधा आरोप है जिला प्रशासन पे कि 1,00,000 से 2,00,000 रुपया इन व्यापारियों से आज वसूल किया जा रहा है अवैध रूप से वसूल, जो शासन प्रशासन की रसीद से हो रहा है वो तो अलग है, अवैध रूप से वसूल किया है, इसकी जानकारी मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया, मैं अपने जनप्रतिनिधियों के भी बता चुका, मैंने बोला ये लोगों के नाम से ही बताया कि ये लोग हैं करके काम वाले, और इनको आप यदि नहीं ठीक करेंगे तो एक आध दिन स्थिति यानी अप्रिय स्थिति बनेगी, फिर मारपीट की स्थिति आएगी,
फिर जेल होगी, किसी को किसी का खून निकलेगा, कोई अस्पताल जाएगा, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए चैम्बर सदैव से ऐसा चाह रहा है कि सुचारू रूप से व्यापार चले। ये महामारी का समय, चाहे कलेक्टर हो, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यापारी हो या चाहे पत्रकार हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम सबको मिलजुल कर इस महामारी के समय में अच्छे ढंग से, अच्छे व्यवहार से काम करेंगे तो ये महामारी का समय भी हो सकता है 2-4-6 महीने में समाप्त हो जाए। मगर इसका समाधान क्या है आखिर में? क्योंकि यदि दुकानें खोलने का यदि निर्णय लिया जाता है, मतलब जैसे ग्राहक आके दुकानों से सामान ले तो भीड़ लग जाती है, तो उसमें तो ये लॉकडाउन का फिर औचित्य बदल जाता है। प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन के सामने भी मजबूरी है कि वैसे ही भीड़ लगी है, पूरी की पूरी दुकानें खुली है, दोपहर तक चल रही है। अनलॉक अनलॉक की स्थिति आएगी तो मेरा व्यापारी बंधुओं से, उद्योगपति बंधुओं से और आम जनता से भी निवेदन है कि नियमों का पालन नहीं करेंगे हम तो स्वयं को तो क्षति होगी पक्का है और सामने वालों को भी क्षति होगी। व्यापार करना इस समय, साल दो साल की स्थिति, तीन साल की स्थिति ये आ सकती कि हमको जिस ढंग से हम व्यापार करते थे उस ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों को भी चाहिए, मैं बार बार व्यापारियों के बीच में बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाली व्यापारी हूँ, पहले मैं आम जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो हम व्यापारियों को भी बोलते कि भैया आप अपनी जान भी बचाओ और दूसरों की जान बचाओ, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके काम करो जितना हो सके, नहीं तो स्वयं को तो क्षति पहुँचेगी। आपकी जो क्षति होगी ना, आपके परिवार के लिए कितनी दुखदायी होगी। अभी हमारे बीच में चीनू फल के विक्रेता चीनू लालवानी जी नहीं रहे, सुरेश सचदेवा जी नहीं रहे, हमारे वाधवानी जी, राजू वाधवानी जी नहीं रहे, चांदमल चौरड़िया जी नहीं रहे, इन सबको निश्चित रूप से मैं इस समय श्रद्धांजलि भी देता हूँ। परंतु कुछ गलतियाँ हमारे व्यापारी भाइयों से भी हो रही है। पर इस समय एक साल से आपको समझा रहा है प्रशासन, और हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको ज़्यादा समझना चाहिए और हमारी ज़्यादा जवाबदारी है। एक व्यापारी वर्ग ऐसा है कि जो किसी से कभी कुछ नहीं मांग रहा है। आज जितने भी सामाजिक काम चल रहे हैं, चाहे श्रीराम प्राणवायु के नाम से चल रहा हो, केशव परिराम से एग्रे ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा हो, सेवा भारती के माध्यम से चल रहा हो, महावीर इंटरनेशनल ने कोविड सेंटर खोला, ये कौन लोग चला रहे हैं? आज करोड़ों रुपए का सेवा का काम कौन कर रहा है? जिनकी दुकानें बंद हैं, जिनको टैक्स पटाना पड़ रहा है, वही लोग ये सेवा के काम भी कर रहे हैं। और इन सेवा के काम करने वाले अपना धन का सदुपयोग कर रहे हैं आम जनता के लिए, और उसके बीच में यदि अप्रिय स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से, और ऐसे समय में मैं उन्हें चेतावनी भी देता हूँ। यहाँ पे इस समय बार बार आपने भी कहा है कि चेतावनी देते देते बहुत समय हो गया है, अब ये चेतावनी देने की क्या, अब ऐसे समय में हमको भी थोड़ा, अध्यक्ष होने के नाते कभी कभी मैं भी देखता हूँ कि जो काम थोड़ा शांति से हो जाए, थोड़े दबाव से हो जाए तो वो काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम तो कल निर्णय ले लिए थे, हमने राजघाट चौक पे हम बैठ रहे करके, फिर उस समय कलेक्टर साहब ने बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, रमेश रंगलानी जी भी आए, महेंद्र सुराना जी भी थे, हम लोग सभी थे वहाँ पे। तो कोरोना कार्यकाल में हम, आपने भी देखा होगा, चैम्बर ने लंबे समय तक प्रशासन से झगड़ा करके, शासन से झगड़ा करके, नेताओं से झगड़ा करके अपन ने अपना काम किए हैं। ऐसे समय भी मैं समझता हूँ कि सब लोग हम सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे तो ये बन जाएगी। कैसे बनेगी सामंजस्य? बात करने से ही बनेगी, तो बात आपस में करते रहेंगे ना तो नहीं, थोड़ा थोड़ा हल निकलता है, फिर स्थिति बिगड़ती है नीचे की, तो फिर बार बार बात करने से उसका हल निकलता है। पर मेरे को लग रहा है कि ये 30-31 तारीख के बाद काफ़ी खुल जाएगा। उस समय हम छोटे कर्मचारियों को थोड़ा ध्यान रखें कि वो, एक तो नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं 10-10, 15-15 दुकान में घुस गए एक साथ, और जितनी अभद्रता से व्यवहार करते हैं उनको भी अपने को, इसी नगर के हैं वो, कहीं बाहर के नहीं है, वो इसी नगर के हैं। कल भी मैंने उनको पकड़ा, कार में बैठे हुए थे, मैंने बोला तुम नगर पालिका कर्मचारी हो? बोले हाँ। मैंने अस्थाई नौकरी कर रहे हो? बोले हाँ। मैंने तुमको किसने बोला 151 में भर्ती कर दूंगे, 188 में अंदर कर देंगे, ये तुमको किसने अधिकार दिया? बोले वो साहब, हमारे साहब नायब तहसीलदार मैडम थी, उनने हमको भेजा। मैंने तुमको भेजा काय के लिए? धमकाने के लिए, धमकाने के लिए। इस प्रकार की काम मत करो, नहीं तो तुम लिखोगे भी अगले बार नगर पालिका का कर्मचारी था, ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको। ऐसा करके थोड़ा मतलब सामंजस्य की स्थिति बैठाने का काम हम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि हम जो प्रशासन है, जैसे अभी घटना है सूरजपुर में हुई, DM ने कोई दवा के लिए जा रहा था युवक, उसके साथ मार कुटाई की। आज वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है कि अपने जो एडिशनल कलेक्टर थी मंजूषा राय, उन्होंने भी आज एक व्यापारी को शाहजहाँपुर में थप्पड़ मारा। तो ये प्रवृत्ति अधिकारियों में क्यों बढ़ते जा रही है? खासकर मतलब ये पुलिस का तो एक बार मानते हैं कि पुलिस वाले करते थे मारा पीटी या करते हैं, मगर ये IAS अधिकारी
आजकल मारा पीटी करने लगे, ये कहाँ तक नैतिक गिरावट आ रही है? क्यों बढ़ रहा है? नैतिक गिरावट आ रही है इसमें, शिष्टाचार की कमी हो रही है, नैतिक गिरावट के कारण ही ये हो रहा है। और जो भोगवादी संस्कृति है अपने यहाँ, यानी नमाने भर का पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ, ऐसे जो भाव आ रहे हैं और डराने धमकाने का, ये लोग क्या कर रहे हैं? IAS IPS अधिकारी भी, मैं सबको नहीं बोलता पर तो अब मेरा भी 40-45 साल का अनुभव है इसमें, कि मैंने ऐसे अधिकारी यहाँ इस बालाघाट में भी देखे हैं जो कि फाइलों का ढक रख देते थे, फाइल ही नहीं निपटाते थे। और ऐसे अधिकारी जब मार्केट में निकलते हैं तो जिस प्रकार की गुंडागर्दी बता रहे हैं, अभी एक अभी शादी में साउथ का आया, कर्नाटक का, वहाँ का भी आया, जिस प्रकार से उसने वहाँ पे अच्छे पढ़े, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, आप शादी में ज़्यादा लोग आ गए होंगे, उनकी परमिशन देख लीजिए, उतने लोग गिन लो आप, पर वो कुछ नहीं, धक्का देता है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा ये हादसा होता है, और खास कई बार परिवार के सामने मतलब उस व्यक्ति को मारा जाता है, तो वो मानसिक कितनी त्रासदी होती होगी उस परिवार को और उस व्यक्ति को, कि जब कोई सरेआम किसी को झापड़ मार दे। अभी आपने मैडम मंजूसर राय का नाम लिए, जिस प्रकार यहाँ पे भी थी, जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, हमने उसकी शिकायत उस समय भी की कि मैंने बोला इनको यहाँ पे रखो मत, इस बदतमीजी से बात कर रही थी ये, बिल्कुल ये फटाका कांड हुआ यहाँ पे, 27 लोग मर गए, क्या जांच हुई? लिपा पोती करते हैं जांच में भी, मैंने उस बात को भी उठाया कि 12 सिवनी में भी, मैंने बोला इस जांच में आखिर किसकी गलती हुई है 27 लोग पर? क्या है, कभी कभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, उनको सोचना चाहिए कि 27 लोग जहां मरे हैं वहां का जनप्रतिनिधि, पूरे जिले के लिए बोल रहा हूं मैं, ये शर्म की बात है हमारे लिए कि 27 लोग मर गए, और 27 लोग मरने के बाद उसकी आवाज़ तक उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो गरीब लोग थे, और आज भी उजागर नहीं हुआ। और जो हमारे नेता है ना, उनको उस बात को उठाकर उनको सजा तो दिलाना चाहिए ना, आखिर गलती किसकी थी? मैं स्वयं रात को जब घटना हुई तो मैं स्वयं वहाँ पे करीब 12-1-2 बजे तक रहा, जिस प्रकार से लोगों की मुंडियाँ अलग, धड़ अलग, चेहरा अलग, देख देख के ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं क्या स्थिति है। पर भी मैं आज भी बताता हूँ कि 90% अधिकारी अच्छे ही हैं, ये 10% लोगों की हम चर्चा करते हैं, 90% अधिकारी आज भी अच्छे काम कर रहे हैं, व्यापारी अच्छे से काम कर रहा है सारे लोग, पर थोड़ा सी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नैतिक गिरावट जो आई है वो सब क्षेत्रों में आई है। इसका दोष राजनीतिज्ञों को नहीं है, जनप्रतिनिधियों को, कि वो अधिकारियों पर उनका अंकुश इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इन अधिकारियों से कुछ कारणों से, मतलब स्वार्थों से दबे हुए हैं, इस कारण वो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पाते। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, जनप्रतिनिधियों के काम पिछले 30-35-40 सालों में, हमने कांग्रेस का समय भी देखे हैं, आज ये भी समय देख रहे हैं, विरोध वाले की राजनीति भी देखे हैं, जनप्रतिनिधि आजकल सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव में जिस प्रकार का पैसा खर्च होता है, एक एक चुनाव 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में होता है, हमारे सभी के कार्यकर्ता पीछे हट जाते हैं, और ये जो पैसा लगा के चुनाव लड़ रहे हैं फिर बाद में ये कमाने की स्थिति बनती इनकी। तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से इस समय मैं बता रहा हूँ नैतिक गिरावट की बात करूँ, राष्ट्रीय गिरावट आई है, ये पूरी राष्ट्रीय स्तर से ये नीचे से लेके ऊपर तक देखते हैं हम तो, ये गिरावट आई है, और ये जब तक चुनाव की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, अच्छे लोग तो सामने ही नहीं आ पाते, वही लोग दिखते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के जात के लोग, ये स्थिति बन रही है। मैं इसका इस बात का मैं अपनी पार्टी में भी बात करता हूँ इस समय, पर तो पार्टियाँ क्या देखती हैं किसके जात का कितना परसेंटेज है, अच्छा व्यक्ति देखें, वो काम नहीं हो रहा है, पर कितने कौन जीत सकता है, क्योंकि सरकार बनाना भी आवश्यक है, जीतने के लिए जीतेगा, एक एक MLA जीतेंगे तो सरकार बनेगी। किसी समय पार्टियां भी जो टिकटें देती थी वो सामाजिक आधार पर देती थी कि समाज में किसका मतलब अच्छा काम है, जो समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को चुन चुन के मतलब लाती थी, हमने टिकटें देती थी। उसी प्रकार अधिकारी भी जो पहले आते थे उनका भी जो एक व्यक्तित्व होता था एक अलग तरह का होता था, तो सारा सामाजिक जो ढांचा है वो बिगड़ चुका है एक्चुअली। हमने इसी बालाघाट में ऐसे MLA देखे, सुरेंद्रनाथ खरे जैसे MLA देखे, सुरेंद्रनाथ खरे को अपन ने कांग्रेस के, मैं कांग्रेस और BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय अच्छा व्यक्ति एक आरोप नहीं लगा सकते जिनके ऊपर, नगर पालिका के अध्यक्ष एक आरोप नहीं लगा सकते, अधिकारियों में स्वामीनाथन जी आए थे यहाँ पे, ऐसे अधिकारी जिनके कारण पूरा बालाघाट बंद करे अपन ने, और अपन ने खेल के मैदान पे उनको हाफ पैंट में खेलते हुए भी देखा है,
ऐसे अधिकारी जब आते हैं तो अधिकारी के प्रति सम्मान भी बढ़ता है हमारा। परंतु इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ कि नैतिक चारित्रिक गिरावट इसका मूल कारण है, और ये सभी क्षेत्रों में आ रही थोड़ा थोड़ा, और हमको इससे बचना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों को जो शपथ लेते हैं वो शपथ अपनी पूरी करना चाहिए, आम जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। अभी आपने बोले कारण क्या है, वो अधिकारी का डर ही नहीं रहता उनको, क्योंकि मेरे को रेत के ठेके लेना है, मेरे को दारू के ठेके लेना है, मेरे को अपने व्यापार के ठेके लेना है, और मेरे को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मेरे रिश्तेदारों को कोई काम रहता, ये अधिकारी के रिश्तेदार भी कर रहे हैं और ये जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार भी कर रहे हैं। इसकी ये गिरावट के कारण ही ये अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, कहाँ सुनेंगे, जब उनको 2 करोड़ 10 करोड़ का लाभ होना तो वो जब गलत करेंगे तो उनकी बात भी ये सुनते रहते हैं बैठ के। हमने तो ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि आज कलेक्टर SP या बड़ा ब्यूरोक्रेट्स प्रशासनिक अधिकारी जब कैबिनेट मंत्री बैठता है तो वो नीचे ही रहते थे, मंच के नीचे ही रहते, आज वो सब ऊपर बैठ रहे हैं। आज तो मतलब बुला के पहले उनको मालूम है, आज ऊपर बैठ रहे हैं वो। कारण क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था बनाई गई है जनप्रतिनिधि की अलग, ब्यूरोक्रेट्स की अलग, कोई चपरासी है, कोई कलेक्टर है, कोई MLA है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, इनके प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का हमको पालन करना चाहिए। आज कोई भी कार्यकर्ताओं में भी वह बात आ रही धीरे धीरे, हम उस समय के कार्यकर्ता हैं, हमारी पीढ़ी, हमारी आगे की पीढ़ी भी, जैसे हर्षद भाई पटेल थे, पूरन कुमार जी अडवाणी थे, यदि वो आ जाते थे तो हम खड़े हो जाते। आज भी हमसे उम्र में बड़ा कार्यकर्ता कोई आता तो हम खड़े हो जाते, परंतु अभी देखने में आ रहा है क्योंकि सत्ता के साथ बहुत सारे लोग आ गए, वो जिस प्रकार से एकदम कुर्सी में बैठे रहेंगे, बड़ा कार्यकर्ता आ गया है तो भी नहीं उठते वहाँ से, फिर उनको बोलना पड़ता है भैया कौन आया जरा देखो। इस प्रकार का निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक व्यवस्था भी उस प्रकार की गड़बड़ है, परिवारों में भी देख रहे हैं जो भाव माता पिता के प्रति रहते थे, आज धीरे 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 उसमें कुछ परिवारों को छोड़ दो, नहीं तो अधिकतर परिवार में जिसका बेटा कमाने लग गया ना अच्छा, वो अपने बाप को, अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहन को भी नहीं पूछ रहा है, ये स्थिति बन रही है। चाहे आरक्षण के मामले में भी हो, आरक्षण में जो कलेक्टर बन गया है, जो बड़े अधिकारी बन गया है, वो क्या समझ रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों को पूछ रहा है, सोच रहे हो क्या? मैं बोलता हूँ 90% स्थिति ऐसी बन रही है कि ये उनको भी नहीं पूछते, लेकिन चारित्रिक गिरावट तो आ रही है, तो बात समझ में आती। तो चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और राजनीति में इतना बेपाकी से बोलना जैसे आज आपने बोला, तो इसमें आपको कुछ लगता है पार्टी वाले कुछ बोलेंगे? और कहीं ना, कहीं ना। ये बेबाकी ही आपको राजनीति में आगे बढ़ने से रोकेगी? मेरे को कभी कभी लगता है ये, अब मेरा गुण बोलो या दुर्गुण बोलो, और राजनीति में बहुत सी बातें क्या लीपा पोती करके बोलने की आदत पड़ गई है, और वो बात मेरे से होती नहीं है। मेरे को कई बार मेरे दोस्त भाई भी, मेरे घर में बच्चे भी समझाते हैं, पापा लोग देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिनके पास स्कूटरें नहीं थी वो आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। मैंने भैया हमको नहीं घूमना है, और ये स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं संगठनों में भी वो स्थिति थोड़ी थोड़ी आ रही है। संगठनों में भी पहले क्या करते थे, प्रदेश में किसको ले जाना है, संभाग स्तर पर किसको ले जाना है, एक रेटिंग रहती थी। अब तो बोलती साहब 35 वर्ष का मंडल अध्यक्ष बनेगा, 35 वर्ष का मंडल अध्यक्ष बनेगा, उसकी घर में कोई नहीं सुनता, उसकी संगठन में कौन सुनेगा, उसके सामने बैठेंगे 50-60 के, 55 साल के, यानी 30-40 साल राजनीति में जिन्हें लगा दिए, ऐसे लोग बैठे रहेंगे। इसको भाजपा में भी मध्य प्रदेश को प्रयोगशाला बना दी इनने, कई बातें हम अपने संगठन के माध्यम से, बहुत सी बातें मैं यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ पर भी अपनी बातों बोलता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम निकलते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते, चाहे जनप्रतिनिधियों को टिकट देने के मामले में हो, हमारे पार्षदों को देखते हैं, पार्षदों की भी क्या स्थिति रहती है, जनसेवा की बात करते हैं पर कितने % पार्षद कर पाते होंगे। ये चीज़ तो मानते होंगे आप, जब कांग्रेस का शासनकाल था है ना, उस समय जो जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान या जो एक दबदबा रहता था, मिलता था, उतना ही दबदबा या उतना ही प्रशासन सम्मान विपक्ष वालों, मतलब आप लोगों का करता था, और उतनी ही आप लोगों की उस समय प्रशासन में एक रहती थी, मतलब एक दबाव रहता था। आज की तारीख में ना तो सत्ता पक्ष के नेताओं का दबाव रहता है, ना विपक्ष का दबाव रहता है, बिल्कुल सही है।
ये स्वयं के निहित स्वार्थ के कारण हो रहा है। इसका मूल कारण है धन, कैसी भी तरीके से हम धन बटोर लें। तो आपको नहीं लगता उस समय कांग्रेस का शासन अच्छा था? नहीं, कांग्रेस के समय भी बहुत स्थितियाँ खराब थी। उसकी बात अगर करेंगे तो मैं बहुत सी बात बता सकता हूँ, मेरे मालूम भी है। आज वो कांग्रेस के नेता क्या स्थिति में जी रहे हैं ये भी अपन अब बता सकते हैं। बहुत सारी बात अब राजनीति की बात करेंगे तो अपन ऐसा है कि मुझे और आपको दोनों को मालूम है कि क्या स्थिति बन रही है, परंतु फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो व्यापार धंधे में जनप्रतिनिधि घुस गए हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा दामाद, मेरा ये, मेरा वो करके अपने ही अपने, और जो एक हमारे वरिष्ठ नेता है हर्षद भाई पटेल, वो क्या करते थे, एक MLA बनाने के लिए 5,000 कार्यकर्ताओं को भोग लगाना पड़ता है। 5,000-10,000 कार्यकर्ता जब भिड़ते हैं तो एक MLA बनता है, और वो 5 साल तक भोगते ही रहता खुद को ही। अगर उनके अपने क्या है, असली में जनता के बीच से आवाज़ भी नहीं उठती, और आवाज़ उठेगी क्या? इतना धन धन बल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ गया है कि निश्चित रूप से वो आवाज़ भी दब जाती, नहीं तो जनता मालिक है ऐसा बोलते हैं। जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, आप 5 साल तक नौकरी कर रहे हैं उनकी, तो 5 साल में आपने क्या क्या किए, इसके बीच बीच में 1 साल 6 महीने में 8 महीने 12 महीने में ऐसा कोई ना कोई फोरम बनाए अपन, उस फोरम पे इनसे बात तो करें, आप करते क्या हो। जिले में कोई भी राजनीतिक दल से आप जीत गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, सब मंत्री बन गए, कभी आप इस जिले के विकास के लिए बैठ के प्रमुख लोग, पत्रकारों से, अच्छे प्रोफेसर से, अच्छे कोई डॉक्टरों से, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे जो और भी सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे चर्चा तो करो इस जिले में क्या क्या करना है, वो बात नहीं होती। पहले होती थी, पहले होती थी, अब फोरम तो नहीं था, करते थे, फोरम नहीं था, मगर पहले शहर के लोगों से या जिले के लोगों से आपस में चर्चाएं होती थी। इवन जिला प्रशासन भी समय समय पे, हम सब, आप और मैं सब जानते हैं कि मतलब जो कलेक्टर होते थे, SP होते थे, कोई भी जब समस्या आती थी, मुद्दा आता था, तो सबको बुला के पहले बात करते थे, उसके बाद कोई चीज़ लागू होती थी। जनप्रतिनिधि को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जनप्रतिनिधि जागरूक कब होगा, जब अपना स्वयं का स्वार्थ छोड़ेगा। और इस जिले के विकास के लिए मेरा तो सारे जनप्रतिनिधियों पर आरोप है ये कि आपने कभी ये बात ही नहीं की कि इस जिले में, अब पिछले 40 सालों का अपन रिकॉर्ड निकाल के देखें, 40 सालों में इस जिले में क्या क्या हुआ है, इस नगर में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ मोइल है, यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, कितना पैसा हम उनका यहाँ लगता है क्या कहीं यहाँ से कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में मोइल है इतना बड़ा, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, नहीं लगता। और इस नगरी को मोइल नगरी कहना चाहिए, इस नगरी को ताम्र नगरी कहना चाहिए, कहाँ स्थिति बन रही है जिले, अच्छा नगर के विकास के लिए 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में कैसी स्थिति बनना चाहिए, वो स्थिति के लिए कोई सा ब्लूप्रिंट, कुछ काम, वो स्थिति नहीं बनती। जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं हमारा भी दबाव कम हो रहा है, जनता का जो दबाव होना चाहिए ना, चुनाव के समय क्या होता है, बढ़िया बढ़िया भाषण होंगे, उनको प्रलोभन देंगे किसी भी किस्म का, पर वो जो प्रलोभन और भाषण है वो 5 साल 10 साल 15 साल में जो प्रतिनिधि रहे, 30 साल भी रहे, 25 साल भी रहे, सब प्रतिनिधि ऐसे दिख रहे हैं हमको, उनसे पूछो आपने क्या क्या किया है। और ये पूछने की ताकत कब रहेगी, जब सामने वाला स्वयं ईमानदार रहेगा, तब वो पूछ सकता है उससे। इसीलिए बोले ये जनप्रतिनिधि यदि ईमानदार रहेंगे तो मैं नहीं समझता कलेक्टर SP ये भी हमारे सब भाई है, हमारे ही देश के नागरिक, बाहर से नहीं आए, ये भी अच्छे रहेंगे अपने अच्छे अच्छे कलेक्टरों से। आप 30-35-40 सालों पर अपने N. बैजेंद्र कुमार और इस प्रकार के बहुत सारे कलेक्टरों को अपन ने देखा है, जो कि जब जाते थे तो पूरा मान सम्मान अपने को देते थे, उनको मालूम है कि इनको खुद को कुछ नहीं होना, मेरे को जब खुद को कुछ नहीं होना ना तो मेरी बात सुनते हैं, और नहीं तो फिर वही है कि आप बोलते रहो और कोई ढाक के तीन पात। ये जैसे आप आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जाते हैं, और आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो इंटाइटल होते हैं चैम्बर की तरफ से नेतृत्व करते हैं, मतलब आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक चैम्बर और है, सब तो उनको बैठक में वो नहीं, वो भी आते हैं, मेरे बाजू में ही बैठे थे राजेंद्र भैया अग्रवाल, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई के दोस्त भी है, मैं जब भी मिलते चरण इस पर नहीं आए, मेरे बाजू में ही नहीं, अभी इस बार बुलाए नहीं होंगे, मेरे को मालूम नहीं किस को सूचना दिए, पर 2 या 3 बैठकों में वो हमारे साथ रहे, दोनों चैम्बर यदि मिलकर यदि कोई समस्या का समाधान ढूंढेगा तो ज़्यादा, बिल्कुल, मैं बालाघाट में ये चैम्बर हो या वो चैम्बर हो, है सब हम अपने इस नगर के, और सब साथ में ही रहे, कभी कोई कुछ बातें आपस में नहीं पड़ती, जैसे भाई भाई अलग होते तो ये भी अलग हो गए, परंतु उनके साथ में भी बैठ के बात करना चाहिए। मैंने तो कई बार, मैंने खुद ने फ़ोन लगा के उनसे पूछा कई बार,
वो जब भैया इस मामले में अपन साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दो बात अपन करेंगे ना तो फिर वो उसका लाभ बीच वाले उठाते हैं, तो इससे बचना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा विपक्षी दल का कोई भी हो, तो अपन ने चेंबर की बात की है, कांग्रेस के हमारे भाई हैं या अन्य दलों के भाई हैं, उनसे भी हमको बात करना चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूँ कि कोई चेंबर हो या विपक्ष का कोई नेता हो, उनसे भी बात करके उनकी बातों को, यदि मैं सत्ता में हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि उस काम को लागू, अगर वो अच्छा बात सोच रहे हैं तो उनसे बात की जा सकती, करना भी चाहिए, तो और उसकी कहीं ना कहीं कमी आ रही। तो ये चेंबर का जो ये बंद का आह्वान है, आज बंद रहा, तो आप बैठक की बात हुई या नहीं हुई? आज सुबह ही रमेश जी रंगलानी के माध्यम से और मैंने भी बात किया, जिले के कलेक्टर से बात किया, अपना जिले के मंत्री, मतलब व्यापारी के बीच में आज क्या संदेश आया? मंत्री के बीच में ही बात गए, 23-24 हमने बंद कर दिए। आज शायद रामकिशोर कावरे जी से बात हुई थी कि उनकी गाइडलाइन आ जाए, यानी मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने वाले आज रात में या कल बोलेंगे जैसा भी, तो उसके बाद ही अपन कोई उसमें निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर मैंने बोला पर ये परिस्थितियाँ आज, कल भी अगर बैठक होती, बैठक होगी दोपहर को आपकी, तो व्यापार तो बंद हो गया कल भी, तो दो तीन दिन के लिए अपन ने बात की है। मेरे ख्याल से ये अभी मैंने पिछले एक वर्षों में जब से ये अपने नए मंत्री बने रामकिशोर कावरे, एक युवा मंत्री भी हैं, जितनी बात लगभग हमने की है तो 99.99 उन्होंने उस बात को अपने ढंग से रख के, और बहुत अच्छी बैठक में भी उनका व्यवहार देखा, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसा इस टाइप की बात नहीं करते, बहुत ही शालीनता से सुनते हैं और उस बात को लागू करने की भी कोशिश करते हैं। चाहे अपने ऑक्सीजन की बात हुई थी बीच में, अपन ने राम प्राणवायु के माध्यम से ऑक्सीजन कहीं से भी लाए, इनको नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को लाने के लिए भी व्यापारी लोगों ने काम किया है, और वो व्यापारी लोगों ने लाम अपने सोर्स जो रहते हैं ना, हर जगह आप अधिकार बताओगे या ऑर्डर दोगे उससे काम नहीं होते। छिंदवाड़ा से गाड़ी वापस आ गई, कलेक्टर साहब ने 4 बार फोन लगाया वहाँ छिंदवाड़ा में, अब इनका आदमी जाता है बाबू वो कैसा बात करता है कैसा नहीं, व्यापारी की एक अपनी स्टाइल होती बात करने की और उस पर फेथ भी होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये दिक्कतें आई है मेरे ख्याल से आज रात में या कल उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। पर्सनल बात तो हुई होगी ना? अब पर्सनल बात हुई ना, बता पर्सनल बात ही हुई है, कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, रामकिशोर कावरे गौरी भी ऐसी भी बात की है, उनको भी थोड़ी तकलीफ है, बार बार मैंने बोले ये मामला आता है इसको पड़ाक्षेप करो आप कम से कम, बोले मेरे को बोले भी अब है, बोले अब ये 26 ये 31 तारीख के आसपास अपन उसमें काफ़ी छूट दे देंगे, काफ़ी छूट होने के बाद भी व्यापार तो सुरक्षित ढंग से करना ही पड़ेगा। तो व्यापारियों के लिए और प्रशासन के लिए आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिछले 35 वर्षों से व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच में काम कर रही है, और जिला प्रशासन से अन्य लोगों से भी अपने सामंजस्य की स्थिति बनाए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं मैं अभी कि 19 उद्योगपतियों की सब्सिडी रुकी हुई थी, सब्सिडी की घोषणा कर देते हैं और सब्सिडी मिलती नहीं मौके पे। जब मेरे पास जब बात आई तो DIC में गया, DIC में चौरसिया जी है, उनसे बात की, मैंने बोला आपने कैसे रोक के रखे, बोले मैंने नहीं रोका, बोले ये देख लो फाइल, मैंने रोक कौन रहा है, तो वो जो डिसाइड निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी किसको दी जाए, उसमें उस समय सेल टैक्स था, सेल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर जो छिंदवाड़ा में रहते पांडे जी, उन्होंने लिख दिए उसमें। मैंने बोला इसमें सेल टैक्स का तो कोई काम ही नहीं, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 साल की छूट है, तो जब उसको सेल टैक्स मिल ही नहीं रहा है तो उनके व्यू लेते क्यों। उन्हें लिख दिया इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना हो रहा है, इतने लाइट की खबर होती, इनको नहीं दी जाए। मैंने ये बात को अपने क्या नाम था कलेक्टर इसके पहले, भरत यादव जी के पास मैं अकेले गया, मैंने बोला ये बात है, आप इन्वेस्टर मीट कर लो, इंदौर में कर लो, बालाघाट में कर लो, पैसे खर्च कर दो, एक भी धरती पर इंडस्ट्री नहीं लग रही, कारण क्या है समझो जरा आप। तो बोले क्या कारण है, मैंने बोला ये हालत है कि उद्योगपति घूम घूम के परेशान हो रहे हैं आपके। बोले क्या मामला बताओ दस, उन्हें बोला उसको चौरसिया जी को बोले बताओ, बोले मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने पूरा भेज दिया, उन्होंने ऐसा लिखे हैं। तो दूसरे दिन ही मीटिंग थी, बोले सेठिया जी काम करो आप मीटिंग में आ जाना, अपनी बात रख लेना और फिर आप चले जाना। जबकि मैं इंटाइटल नहीं था वहाँ पे जाने के लिए, पर तो कलेक्टर साहब ने मेरे को अनुमति दी है तो मैं गया, और मैंने बेबाकी से रखा ये 19 लोगों की लिस्ट जारी किया,
और इतने इतने सब्सिडी ये बताया, मैंने बताइए साहब क्यों नहीं, क्यों रखे चौरसिया जी। तो कलेक्टर साहब बोले बताओ चौरसिया जी, बोले मैंने भेज दिया हूँ। फिर कौन ने रोका है, तो बोले ये पांडे जी बैठे। मैंने पांडे जी आप बताइए आपके विभाग को कोई आर्थिक हानि हो रही है, राजस्व की हानि हो रही क्या, नहीं हो रही है। जब आपके विभाग को राजस्व की हानि नहीं हो रही है तो आप रोकते कैसे हो इसको। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही पैसे खाने के चक्कर में, जहाँ से भी यानी 5 लाख की सब्सिडी मिल रही है तो 25,000 रुपये उनको मिल जाए तो वो कर देंगे उसको साइन। मैंने बार बार पूछा पांडे जी बताओ आप, आपके विभाग को कोई मतलब है, नहीं। तो मैंने कलेक्टर साहब ये देखिए ये व्यक्ति है जो रोक के रखा है। अधिकारी कर्मचारी शासन की मंशा सब अच्छी रही, शासन चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उनकी मंशा ऊपर सब अच्छी रहती, नियम कानून सब अच्छे रहते, पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जितने लोग रहते हैं ना वो कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। मैंने बात करने के बाद 19 लोगों को पूरे को सब्सिडी मिली। भरत यादव को मैंने धन्यवाद भी दिया, मैंने कलेक्टर साहब आपके कारण ये हो गया है, और आपने उसको बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे जाने के बाद उनको खूब डांट भी लगाए और अगली बार की बैठक से इनको मत बुलाओ ऐसा भी बोला, उनको बाहर भी किए। जो विकास के काम में रोड़े अटकाएगा ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं किनारे लगाना चाहिए और उन्हें सजा भी देना चाहिए और जनप्रतिनिधि। तो अभी आपने सुनी चर्चा अभय सेठिया जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष, इनके साथ हमने अभी काफ़ी सारी चर्चाएं की व्यापारियों को लेके, प्रशासनिक अधिकारियों को लेके, और बहुत काफ़ी कुछ इसी तारतम्य में राजनीतिक चर्चाएं भी हो गई। और श्री सेठिया जी ने बड़ी बेपाकी से अपना मतलब जिस तरह का उनका नेचर है खुल के बोलना और लाग लपेट नहीं करना और निडरता से बोलना, हालांकि मैं भी मानता हूं कि इसका उनको राजनीति में खासकर तो नुकसान होता ही है, फिर भी इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। और ये लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करना पड़ेगा ताकि जो कोरोना है वो कोरोना से हम सुरक्षा पा सकें और आम जनजीवन भी सामान्य तरीके से चले, इसी आशा और विश्वास के साथ।